तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। लास्टली मैंने क्या बोलते हैं सेव किया था और वीडियो डाली थी ब्रिडियन फॉरेस्ट में। उसके बाद मैंने क्या मुझसे फाइल थोड़ा मैं सेव करना भूल गया, तो मेरा जो पहले का उतना तक खेला हुआ था वो मैं पूरा फाइल हट चुका था। अब उसके बाद वापस मैंने वहाँ तक लाए। अब आगे से मैं खेल रहा हूँ, मैं थोड़ा अपने पोकेमॉन को भी लेवल अप किया है। और अब आगे मेरा गोल है कि इस वीडियो में मुझे करना है ब्रॉक, प्यूटर सिटी पहुंच के ब्रॉक को हराने का। अगर हरा पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, और मुझे अपने ग्रुपी को कम से कम थॉकी तो बनाना ये 16 या 17 लेवल का कर देना है। और ये जो मैं अभी फाइट कर रहा था, ये फाइट में क्या बोलते हैं आगे कोई आइटम था, उसके गार्ड थे ये लोग, उसके लिए कर रहा था। अब देखते हैं आगे वो क्या आइटम होता है। ओ ये तो वो जो जी मूव में नहीं होता नॉर्मल टाइप का, ये तो नॉर्मलाइजम था। यहाँ से तो ये हो गया। अब आगे इस तरफ जाके देखते हैं क्या है, देखते हैं इतना लंबा रास्ता तो है। ये क्या, ओ ये तो एक विशिंग पीस है, यहाँ पे डाल दूं। लेकिन नहीं, डालने से पहले तो ये लोग तो मना कर रहे हैं, अभी नहीं डालना बुरा हो जाएगा, नहीं डालते हैं। आगे देखते हैं कोई जगह मिलेगी डाल देंगे। तो अब बस आगे जा रहे हैं। यहाँ पे एक और ट्रेनर है, इसको हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोकेमॉन की एचपी ऐसे ही कम है। देखते हैं हरा पाऊंगा नहीं हरा पाऊंगा। यहाँ पे जॉल्टिक और बिल्ब, देखते हैं अगर इसने मेरा फ्लेचलिंग कुछ कर पाया तो कर लेगा, वरना मुझे तो चांस कम दे, क्योंकि मरीप तो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इससे पहले तो मरीप पॉइजन ही था, एक एचपी पे बेचारा सरवाइव किया है, और ग्रुकी का भी उतना चांस नहीं लग रहा कि ज़्यादा कर पाएगा। अगर नहीं हुआ कुछ तो फ्लेचलिंग से तो करना ही, बक टाइप पर वैसे भी प्लैंक टाइप इफेक्टिव होना ही है। और उसके बाद ये हो जाए, फिर आगे जाते हुए मैं और ये चीज़ बोल रहा था कि ये सब टाइप की वीडियोस को ना बनाने में भी गाइस टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और अभी तो ये लोग लगभग हार चुके हैं, ज़्यादा फ्लेचलिंग और ग्रुकी मिलकर मेरे हिसाब से हरा देंगे। अब आगे जाते हुए देखते हैं मैं कि हो सकता है तो प्यूटर सिटी का ज़्यादा ट्रेनर मिलने ही चाहिए, वहाँ पर वो विशिंग पीस लेने के बाद ना। अब यहाँ आगे से मुझे लग रहा है कि ये पूरा रास्ता ना वैसा हो जाएगा मेज टाइप का लग क्या रहा है, मुझे मालूम है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया ना मेरी फाइल करप्ट, उसमें मैं ऑफलाइन खेलते तक यहाँ तक आया था इधर तक। अब यहाँ पे इस ट्रेनर जो है इससे फाइट किया था, उसके बाद आगे मैं जाता उतने मैंने हटाया तो उतने मेरी फाइल वो वाली तो करप्ट हो गई। उसके बाद ये हैं, और अभी देखते हैं इसको हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं अपना फ्लेचलिंग निकाल लेता अगर। लेकिन फिर अब मैं भूल गया फ्लेचलिंग निकालना, अब ये इन्फेस्टेशन की वजह से निकाल तो पाऊँगा नहीं। फिर भी ट्राई किया मैंने बेकारी में, देखते अब ये पहले फेंट हो जाए, तब तक ये कुछ तो कर ही पाएगा। स्पिनर एक को थोड़ी हेल्थ कम करता, और ग्रू की फेंट हो चुका है। अब फ्लेचलिंग को निकाल के, फ्लेचलिंग अगर एक पैक में, एक से दो पैक में फ्लेचलिंग शायद इसको फेंट कर दे, और हाँ एक ही पैक में हो चुका। इसके बाद अगर अब आगे जाते और कोई प्लीज़ ज़्यादा हाथ रे नाम ले, एजिलिटी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ एजिलिटी को ग्राउल की जगह सिखा दूँ, ग्राउल जैसे मूव्स टेल विप ये सब मैंने पहले भी कहा था मुझे नहीं पसंद, उनका कोई काम होता है नहीं वैसे उतना, यानी इनका आधा है। जितने पोकेमॉन आएंगे इन सबको हराना तो मुझे पैक से ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई मूव इफेक्टिव है नहीं, और कोई मेरे पास है भी नहीं। इसमें पोकेमॉन अभी बचा हुआ तो बस पैक सर कर करके ही हराते। और अब देखते हैं शिट, अब इसकी वजह से यानमा की वजह से मुझे वापस उतना दूर से आना पड़ेगा चल के, उसका भी एक दिक्कत है। और हाँ गाइस, मैं बताना भूल गया, जो मैं फाइल करप्ट हुआ था उसमें मैं वापस लड़ा था जाके क्या बोलते हैं
सोचा लेवल अप करने के लिए उतना वापस दिखाने के लिए मैंने, तो मैं एक बार जाके इसमें गैरी से मिला था, उसमें मैं जीत गया था अपने थोड़े हाई तो पोकेमोन का उस समय लेवल हाइट और एश वैश का। मैं बाकी का पूरा वो दोबारा करप्ट हुआ हुआ जो मैं दोबारा किया वो मैं दिखाया नहीं, क्योंकि फिर वही बहुत लोग बोर हो जाते हैं, उसका वो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, इसलिए सेम ही चीज़ देख देख के वो मैंने दिखाया नहीं। लास्ट टाइम मेरे साथ वो होने के बाद मैं यहाँ आगे तक तो खेलते हैं, बस प्यूटर सिटी का रास्ता ज़्यादा दूर ना हो, वरना जाने में बहुत टाइम लगेगा। आगे ट्रेनर्स भी बहुत सारे आते हैं, अभी वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे जाते हुए अपने ग्रुपी को आगे रख ले रहा हूँ, जिससे वो थोड़ा लेवल अप हो जाए, तो मैं उसको कर पाऊँ, क्योंकि अगले जिम में तो ग्रुपी का ही काम आएगा। और अब की बार मैं सोच रहा हूँ ये वापस ट्रेनर फटाक से मैं पोकेमोन चेंज कर ले रहा हूँ, जिससे वापस से इन्फेस्टेशन की वजह से ग्रू की फेंट ना हो जाए। अब की बार फ्लेचलिंग को ही निकाल के एक बार में फ्लेचलिंग से ही इसको पूरा इसकी टीम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि फ्लेचलिंग की भी अब हेल्थ पूरी आराम से हरा देगा फ्लेचलिंग। और अब पैक कर करके एक हिट में तो ये जा चुका है, और अब दूसरा बस करना है, दूसरा निकादा आएगा उसके लिए भी मैक्सिमम वो एक हिट में चल जाएगा, दो हिट लगभग यानमा में लगेंगे, वरना यानमा भी सिंगल हिट में चल जाता, वो थोड़ा वैसा हो गया। तो अब वो सब करते हुए मैं आगे सोच रहा हूँ, ये अभी करने के बाद मैं इस वाले एपिसोड में नहीं हराऊंगा ब्रॉक को, इसमें पहले एक बार ट्राई करूंगा, देखते अगर इजी रहा ब्रॉक को तो मैं इसमें हरा लूंगा, अगर मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड हो सकता है तो मैं इस वाले में नहीं हराऊंगा। और उस पर बात है वीडियो की लेंथ पे, क्योंकि बहुत से लोग को लॉन्ग वीडियो नहीं पसंद, तो मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम में 20-25 मिनट्स की वीडियो बनाने का, क्योंकि उससे लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा देखना नहीं चाहते। आगे अब एक और ट्रेनर तो आया है, मैं सोच रहा हूँ जितने पोकेमोन आएंगे मैक्सिमम को मैं हराते हुए जाऊँ, जिससे मैं ग्रुपी थोड़ा लेवल अप हो जाए, वरना बाकी जितना हुआ बाकी वरना ब्रॉक के जिम में जितने वो ट्रेनर्स रहेंगे पहले के उनको हरा के कर लेंगे, थोड़ा लेवल तो हो ही जाएगा। और अभी आगे भी एक दो ट्रेनर्स दिख रहे हैं, उनसे भी थोड़ा लेवल अप करेंगे। ये कॉल ट्रेनर आए, अब इससे देखते हैं क्या होगा। अब बस आगे ज़्यादा ट्रेनर्स ना आए, क्योंकि बग टाइप के आए तब चलते हैं, वरना बाकी दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे बीड्रिल है, ये रेजर लीफ मार से ज़्यादा मारने से ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं है, लेकिन मैं इसकी अब की बार शायद ग्रुकी तो गया, और ग्रुकी की जाने के बाद अब फ्लेचलिंग ही बचा है मेरे पास करने को अगर, लेकिन मैं सोचा मरीप निकाल लूँ, मरीप भी कुछ कर लेगी इलेक्ट्रिक टाइप से बग टाइप है, लेकिन वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं किया। और ये क्या, इसने जी मूव यूज़ कर लिया, आज तक हमने नहीं सीखा जी मूव कैसे यूज़ करते हैं, इसने कर लिया। वैसे भी नया हूँ, कहाँ से सीखूँगा, ट्राई करते हैं जाके ये बैटल के बाद मैं ट्राई करूँगा किसी पोकेमोन को होल्ड कराने का, वो जो नॉर्मलाइजम है ना, मैं सोच रहा हूँ अपने फ्लेचलिंग को होल्ड करा के देखूँगा, क्योंकि फ्लेचलिंग के पास ही मेरे ऐसा कोई अच्छा नॉर्मल टाइप का मूव है क्विक अटैक। चलो इसको तो हरा दिया, अब मैं एक बार जाके फ्लेचलिंग को नॉर्मलाइजम होल्ड कराता हूँ। अभी फ्लेचलिंग को बैटल ये हो जाए इन लोग का बात, फिर फ्लेचलिंग को मैं सोच रहा हूँ नॉर्मलाइजम होल्ड करा लेता हूँ। होल्ड करने के बाद अब देखते हैं अगली बैटल में, अगर मैं जूस कर पाया सीख जाऊँगा तो ठीक है, होल्ड तो हो चुका है, अब आगे जाके देखते हैं वापस कि क्या है आगे। और आगे तो यहाँ पे ग्रास है, और एक ट्रेनर, प्लीज़ मैं इस ट्रेनर से को मिस कर पाऊँ, बहुत बार होता है ऐसा, वरना मैं फ्लेचलिंग बहुत कम लेवल के, अगर मैं नहीं मिस कर पाया तो मैं पक्का हारूंगा और बहुत दिक्कत देगा मुझे उसमें। मैं सोचा थोड़ा सा ही ट्रेनर इधर उधर मुड़े तब मैं निकलूं, और मैं निकल पाया आराम से, क्योंकि वरना इसने अगर ज़्यादा भी अच्छे पोकेमॉन्स निकाल लिए तो हो जाती मेरे लिए दिक्कत।
अब यहाँ से तो आगे प्यूटा सिटी पहुंच ही गए हैं। अब बस यहाँ पे कोई ट्रेनर ना मिले वरना मेरा फ्लेचिलिंग को बहुत दिक्कत देगा। अब ये आबरा से तो लड़के वैसा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही टेलीपोर्ट मार लेगा। ये आगे जाते अब बस यहाँ पे कोई फाइट ना कर दे। ये ब्रॉक है मेरे हिसाब से, ब्रॉक तो यहाँ तक नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं, अब ये मैं फाइट करेगी, इसमें भी एक दिक्कत है क्योंकि मेरे उसकी हेल्थ ऐसे ही कम है और मुझे लगता है कि ये मैं को भी हरा पाएगा मेरा फ्लेचलिंग। अगर हरा देता है तो अच्छी बात है, फ्लेचलिंग ओपी इन द चैट, देखते हैं। इसके टॉर्चिक को तो मेरे हिसाब से आसानी से हरा देना चाहिए। अब देखते हैं ये हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा, क्योंकि कितनी बार चांस रहता है नहीं हरा पाए। टॉर्चिक को तो मेरे हिसाब से हरा देना उतना एडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं रहता है। और अब गाइस बहुत बार मेरे पास ऐसे फ़ोन में ऊपर, मैं फ़ोन में खेलता हूँ, मैसेजेस आते हैं तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर किया कीजिए। वो मैं, मेरे पास अभी पीसी या लैपटॉप ऐसा कुछ है नहीं, मैं फ़ोन में ही फिर तो थोड़े में बहुत SMS आते हैं, उसको प्लीज़ इग्नोर। और अभी तक तो फ्लेचलिंग अच्छा खेल रहे हैं। अगर फ्लेचलिंग ने इसके तीनों पोकेमोन को हरा दिया तब फ्लेचलिंग ओपी इन द कमेंट सो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब 15 लेवल का तो फ्लेचलिंग हो चुका है, जल्दी शायद इस वीडियो में अगली वीडियो में फ्लेचलिंग को भी इवॉल्व कर लूँ मैं। अभी विविलियन आया, ये भी एक हिट से दो हिट में चल जाना चाहिए। बस ये स्ट्रगल बगल अगर थोड़ा ज़्यादा HP ले जाता तो बहुत दिक्कत देता, और ये दो हिट में विविलियन भी ख़त्म। अब बस मंचलैक्स भी नहीं बचा हुआ, तो सबको तो अब हरा ही दिया। अब आगे जाते हैं, पहले जाके हील करते हैं यहाँ पे। और अब ये क्या दे दिए डेक्सनेव करके, इसने कोई पहले कोई चीज बोली। अब ये क्या होता है डेक्सनेव, मालूम नहीं, बाद में देखेंगे इसका क्या यूज है ये सब बाद में, अभी तो टाइम है। पहले अभी यहाँ से निकले तो मैं जाके हील कराऊं पोकेमोन को। और वैसे भी आगे जाते हुए साइड में ये करते, फिर देखते ब्रॉक के जिम में हील करने के बाद जाते ग्रुपी से थोड़ा ट्रेनर्स को हराते हैं, लेवल अप करते हैं जिससे आसान रहे, है ना। फिर ठीक है, फिर अब ये सभी हो रहा है, हील कर तो करवा तो लिए हैं। अब पोकेमोन को और ये पोर्टल क्या चीज कर, देखते हैं बाद में जाएंगे इन सब पोर्टल का हमें। अब ये क्या नया डिवाइस है यहाँ पे लगा हुआ, पहले तो नहीं था। ओ ये तो वैसा लग रहा है कि कैसी बैटल होनी चाहिए, मैं डबल बैटल करता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा, दोनों पोकेमोन को बराबर एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो मैंने ऑन तो कर दिया है एक ये, अब आगे जा एग्जिट करके आगे लड़ते हैं बाकी के ट्रेनर से। अब ये पहला ट्रेनर आया, दो ही पोकेमोन है, रॉलीकोली और शेल्डन। शेल्डन को शायद हराने में तो दिक्कत आ सकता है क्योंकि वो स्टील टाइप भी है, रॉलीकोली को तो आराम से हरा देंगे शायद। अभी स्टील टाइप है, फर्स्ट लेवल में नहीं है, उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आगे ये बन के स्टील टाइप बनता है शायद, ये है स्टील टाइप या नहीं वो मुझे अभी नहीं याद उतना। तो देखते हैं, फ्लेचलिंग तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ कर पाएगा नहीं, जो करेगा अभी ग्रुकी ही करेगा, क्योंकि फ्लेचलिंग से पैक भी करेंगे तो कितना शेल्डन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा तो होगा, ज़्यादा हेल्थ नहीं जाएगी शेल्डन की। मरी पीसी के साथ लेवल 13 का हो चुका है, अब बस एक रेजर लीफ में ये तो चल जाएगा शेल्डन। अब उसके बाद अगला ट्रेनर में देखते हैं, ज़्यादा हार्ड रहे तो क्विक अटैक मारते हैं, क्विक अटैक से भी कितना ही HP जाएगा, एक एक से दो दो HP जा रहा होगा, लेकिन रेजर लीफ के साथ तो ये एक बार में गए। और अब ये करते हुए फ्लेचलिंग भी लेवल अप हो चुका है, फ्लेल सोचा हूँ एजिलिटी की जगह सिखा देता हूँ, उतना वैसा एजिलिटी का भी काम नहीं है। फ्लेल वैसे मैं सिखाया हूँ, मैं यूज़ नहीं करूँगा, बस नया मूव आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ सिखा दे रहा हूँ अभी के लिए। मैं इसको जल्दी जल्दी फ्लेचिंदर बनाना चाहता हूँ, या तो इस एपिसोड में या अगले एपिसोड में मुझे इसको फ्लेचिंदर बनाना है। और अब ये
नेक्स्ट ट्रेनर के पास जाते हैं, क्या होगा देखते हैं। अगर मैं इस वाली वीडियो में नहीं हरा पाया ना प्रॉपर इसको, ब्रॉक को, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो तक अपने पोकेमोन को थोड़ा लेवल अप करके अगली वीडियो में हराने का ब्रॉक को। फिर सबसे इसके ये क्या बोलते हैं, पहले के ट्रेनर्स पावरफुल है तो ब्रॉक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जो यहाँ पे नॉर्मल टाइप में पोकेमोन के बग कैचर लोग आके यूज़ कर रहे हैं, जब यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेनर्स आते हैं वेरिजन सिटी वेरिजन फॉरेस्ट में वो लोग यूज़ कर रहे हैं जी मूव, तो यहाँ पर मालूम नहीं है ना ये क्या यूज़ कर ले। मेल एवोल्यूशन तो शायद ही करेगा, क्योंकि ऐसा तो मैं मुझे लगता है कि इसके पास स्टीलिक्स रहेगा, क्योंकि स्टीलिक्स रहता तभी है मेगा एवोल्यूशन कर पाता हिसाब से। ऑनिक्स वंश और बाकी मालूम भी नहीं क्या क्या पोकेमॉन होंगे। और अब ये करते हुए अब गाइस आप लोग मुझे बाद में एक चीज़ बताइएगा कि मैं इसमें अपनी टीम मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट पे कि मैं किनको किनको रखूँ। मैं आगे में भी क्या बोलते हैं ग्रुकी को तो रखना ही है, फ्लेचिंग को रखूँ, मरीब को रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि आगे और भी अच्छे पोकेमॉन्स आएंगे ही। और जो वहाँ पे पोतल सर उसमें भी कुछ अच्छा मिल जाए तो आप बताइएगा मैं रखूँ या ना रखूँ। और इसको बस आराम थोड़ा सा फिर बस इन लोग को हरा के ये आईकॉल ट्रेनर रहेगा उसको हराने के बाद देखते हैं अगर ब्रॉक से हुआ तो करेंगे फाइट, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होने लगी तो नहीं करूँगा फाइट, और अगर लगता है कि एक बैटल हो पाएगा ट्राई कर लेंगे ब्रॉक के साथ तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बाकी अभी तो ये एक ट्रेनर है, इसको भी हराते हैं फटाफट। तीन पोकेमोन है इसके पास मेरे जैसे ही। मैं गाइस सारे पोकेमोन कैच इसलिए नहीं करूँ क्योंकि मैं जितने पोकेमोन वो सब बाद में कैच करूँगा गेम ओवर होने के बाद, ये थोड़ा आगे, अभी मुझे मेनली फटाफट इसको कंप्लीट करना है। ओके गाइस तो अब बस ये लोग दोनों है, रेजर लीफ से दोनों को तो डैमेज होना ही है। ये हिप्पोपोटास है, इस पर देखते हैं अगर मैं मारूंगा थंडर शॉक तो असर होना चाहिए, शायद हो शायद नहीं हो उसकी भी बात है। अब ये सब खोजे इन लोग का फटाफट, फाइट ख़त्म, फिर आगे ब्रॉक कर सोचता हूँ कि करना है नहीं करना है। मैं अभी तक अपनी रिकॉर्डिंग पे भी नहीं देखा हूँ कितना देर का रिकॉर्डिंग हुआ है। और हाँ अगर आप लोग को चाहिए कि मैं वीडियो इसका डालू कि कैसे ये इम्यूलेटर और ये गेम डाउनलोड करे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी बना दूंगा। और अगर जैसे अब मैं एडिटिंग काइन मास्टर से करता हूँ, काइन मास्टर प्रीमियम भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका भी आप लोग को बता दूंगा। और अब बस इसका जियो दूध बचा है, ये करने के बाद पहले तो जाएंगे हील कराते हैं पोकेमोन को, उसके बाद ही देखते ब्रॉक से फाइट करने का। हाँ का तो अब थोड़ा बहुत है, ये करने के बाद मेरी और भी पहले की भी वीडियोस अगर आप लोग को हो तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, और मैंने पहले बहुत सी वीडियोस डाली है, कुछ लॉन्ग है, मैक्सिमम मेरे चैनल पहले शॉर्ट वीडियोस ही हैं। देखिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं, मतलब उतना भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन मेरे चैनल पे हाईएस्ट व्यूज़ आए हुए 2.6K 2.8K ऐसे व्यूज़ आए हुए मेरी शॉर्ट्स पे, अब देखिएगा। बाकी और भी वीडियो मेरे चैनल पे, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम तक मेरे चैनल पे शायद मैक्सिमम 70 to 71 वीडियो होनी चाहिए, उतना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। सब्सक्राइबर मेरे होंगे अभी 100 के आसपास जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी का मालूम नहीं। और आप लोग प्लीज़ वीडियोस देखते तो लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, वरना ऐसे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग करते और हम लोग मेहनत करते और आप लोग नहीं करते। और इसी के साथ हमारा मरीब भी फ्लैपी बनने वाला है, चलो कम से कम दो से एक और फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड में कोई पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुआ, कम से कम थर्ड एपिसोड में कोई तो पोकेमॉन इवॉल्व हो गए। अब जाते हैं पहले हील
कराते हैं यहाँ पे इन लोग को। फिलहाल साइड में देखते हैं, ऐसी मशीन वहां पे भी एक लगी हुई थी, उसमें जिम में भी थी ऐसी मशीन, या साइड में पोकेमोन सेंटर में भी है। यहाँ पे भी देखते हैं ये क्या है। ओ ये रैंडम आइटम वाला है, ये क्या बोल रहे हैं। इसके दोस्त ने एक बार मास्टर बॉल पाई थी, मुश्किल है इतना भी। किसी का लक बहुत अच्छा होना चाहिए वरना नहीं मिलता है, आसान काम नहीं है। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि नई लरू ब्रॉक से यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।